दोस्तों, अगर आप एक नया फोन लेना चाह रहे हैं तो अभी का जो टाइम है वो काफी गोल्डन है आपके लिए, क्योंकि अभी जो है इतना सारा फोन लॉन्च पे लॉन्च किए जा रहा है कि हर एक बंदे को एक नया और परफेक्ट फोन मिलने वाला है। और अभी जो है आपको 20,000 से लेके 25,000 तक में आप कोई भी फोन लें तो बिल्कुल फ्लैगशिप जैसा फील होगा। और आप जानते हैं कि 10,000 से लेके आप लाख रुपये तक चले जाएं, वहां तक जो है आपको हर एक 5,000 रुपये के बाद जो है आपको 5, 5, 10, 10 कलेक्शन मिल जाते हैं। और इस बीच एक बहुत दिन से जो है बहुत काफी दिनों से दबा हुआ कंपनी मोटोरोला जो है वो अब जो है बिल्कुल पीक पे है, क्योंकि हर एक प्राइस रेंज में वो इतना धासु फोन निकाले जा रहा है कि हर एक ब्रांड को वो बीट कर रहा है, इतना अच्छा फीचर्स वो इसमें दे रहा है। तो दोस्तों, इसका एक नया फोन हाल ही में यानी कि आज ही 22 तारीख को जो है ये लॉन्च कर रहा है, और इस मॉडल का नाम है उसका मोटोरोला एज 40 नियो। और नियो के साथ साथ वो बिल्कुल न्यू है, क्योंकि उसमें प्रोसेसर जो है बिल्कुल न्यू है, इससे पहले किसी भी ब्रांड में ये प्रोसेसर नहीं दिया गया था। और चलिए इसका फुल स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। और अगर आप भी 20,000 के रेंज में एक फोन लेना चाहते हैं तो ये फोन आपके लिए बेस्ट हो सकता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और लाइक भी कर ले। इसके कुछ खास फीचर्स के बारे में बात करें तो आपको कर्व डिस्प्ले मिल जा रहा है, वो भी 20,000 के रेंज में, वो काफी बड़ी बात है। और इसमें जो है आपको फीचर्स बिल्कुल फ्लेक्सिबल वाला मिल रहा है। इसका बॉक्स आता है वो बिल्कुल इन्वायरमेंटल फ्रेंडली आता है, यानी कि जितने भी पैकेजिंग इसमें किया हुआ है वो पूरा का पूरा पेपर से किया गया है। फोन जो है फिगन लेदर के साथ आता है, यानी कि पीछे अगर ग्लास नहीं है तो आपको टूटने का भी झंझट नहीं है। और पॉलीकार्बोनेट जैसा चीप क्वालिटी ये देखने में बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि फिगन लेदर जो है ये काफी बेहतर फिनिशिंग के साथ आता है और कलर कॉम्बिनेशन के साथ आता है। वहीं इसका केस का बात करें तो काफी जो है लग्जरी प्रीमियम क्वालिटी का एक केस ये प्रोवाइड करता है, जो कि ऊपर से और नीचे से लॉक होता है, बाकी आपको कर्व डिस्प्ले होने की वजह से कटआउट मिलता है, जो कि काफी बेहतर फोन का लुक बना देता है। अगर ओवरव्यू का बात करें तो आपको नीचे स्पीकर ग्रिल, माइक्रो यूएसबी चार्जिंग पोर्ट, उसके बाद आपको माइक और सिम इंजेक्शन जो सिम ट्रे है वो आपको वहां पे मिल जाता है। राइट साइड में आपको वॉल्यूम रोकर और जो है पावर बटन मिल जाता है। लेफ्ट साइड में आपको कुछ भी नहीं दिया गया है, वहीं अपर साइड में आप देखेंगे तो सेकेंडरी माइक और जो है डॉल्बी एटमॉस का स्पीकर दिया गया है, क्योंकि इसमें ड्यूल स्पीकर वर्क करता है, काफी अच्छा जो है इसका वॉइस आउटपुट मिल जाता है। 6.55 इंचेस का फुल एचडी प्लस डिस्प्ले मिलता है बेजल लेस, क्योंकि इसमें कर्व डिस्प्ले आपको मिल जाता है, तो बेजल लेस आपको दोनों तरफ से मिलने वाला है। ऊपर का चिन्ह थोड़ा हल्का रहता है, नीचे भी थोड़ा सा है, और ये जो है फुल्ली एमोलेड डिस्प्ले है, पी ओलेड डिस्प्ले है, तो इस वजह से आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी, आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। वहीं आपका इसका बॉडी जो है प्लास्टिक बिल्ड मिलता है, इससे पहले 14 एज में जो है आपको मेटल मिलता था, बट इसमें जो है आपको प्लास्टिक बिल्ड हुआ था। प्रीमियमनेस इतना अच्छा है इसमें कि आपको फील नहीं होगा कि ये प्लास्टिक बॉडी का है, और इस वजह से फोन जो है काफी हल्का हो जाता है, जबकि इसमें 5000 mAh का बैटरी लगा हुआ है, फिर भी इसका बैटरी, इसका फोन का जो वेट है वो 172 ग्राम सी ओनली है। वही प्रोसेसर का बात करें तो इसमें डायमेंसिटी 7030 5G प्रोसेसर मिल जाता है, जो कि आपको आराम से अंतुतु स्कोर जाने तो 5 लाख प्लस मिल जाता है। इसमें LPDDR4X रैम मिल जाता है, वही UFS 2.2 का जो है रोम मिल जाता है, जो कि आपको 8GB 128GB और 12GB 256GB के साथ आएंगे। इसमें चार्जर आपको 68 वाट का मिल जाता है विद 5000 mAh लार्ज बैटरी, जो कि आपको पूरा दिन आराम से इसका बैटरी जो है चल जाएगा। डिस्प्ले जो है 144 हर्ज पे काम करता है, तो आपका ऐप वगैरह डेली लाइफ में जो आप यूज करेंगे उसका रिफ्रेश रेट काफी अच्छा मिलने वाला है, और वही रिफ्रेश रेट आपको गेमिंग में भी मिलेगा। आप चाहे तो 90 FPS तक जो है आप इसे गेमिंग कर सकते हैं, पबजी वगैरह, ताकि जो है परफॉर्मेंस काफी स्मूथ रहे। आपको 2 साल का सिस्टम अपडेट मिलता रहेगा, और वहीं आपका IP68 का रेटिंग मिलता है इस प्राइस रेंज में, जो कि आपको आराम से आप पानी में जो है 3 मीटर तक डीप कर सकते हैं, वो भी पूरे 30 मिनट के लिए, और इससे ज़्यादा डीप नहीं कर सकते। हो सकता है इसके स्पीकर के थ्रू, माइक के थ्रू वाटर चला जाए, बट इसमें ऐसे पानी के छींटे वगैरह से, स्प्लैश से कुछ भी नहीं होने वाला है, और इस प्राइस रेंज में इस तरह का रेटिंग कभी भी नहीं मिलता है जल्दी, तो ये जो है प्रोवाइड कर रहा है, तो काफी बड़ी बात है। पर्किंग का बात करें तो आपको 5G फोन मिल रहा है, जिसमें कि आपका 5G का सारे बैंड्स 12 बैंड्स जो है सपोर्ट करेंगे। वाईफाई 6 है इसमें,
और वही जो है आप अगर ब्लूटूथ देखेंगे तो 5.3 मिलता है, बाकी एनएफसी वगैरह सारे चीज का सपोर्ट इसमें आपको मिल जाता है। तो वही नेटवर्किंग के मामले में भी जो काफी अच्छा है, यही बात है कि एक सारे कंपनी को जो है बीट करता है, क्योंकि इस प्राइस रेंज में जो है आपको इस तरह का परफॉर्मेंस और भी फोन में नहीं मिलता है। तो दोस्तों पीछे की तरफ दो कैमरा लगाए गए, जिसमें 50 मेगापिक्सल का जो मेन कैमरा है वो OIS तक का सपोर्ट करता है। OIS उसमें दिया गया है ताकि जो है आपका काफी स्टेबलाइजेशन के साथ वीडियो शूट हो सके। तो इसमें शूटिंग के मामले में काफी बेहतर होने वाला है। 4K आप 60fps तक का रिकॉर्ड कर सकते हैं, वहीं आप जो है 1080p 60fps सारे चीज कर सकते हैं। वही जो इसका दूसरा कैमरा है वो 13 मेगापिक्सल का है, जो कि आपको वाइड एंगल लेने में काम करता है, और वही जो सेंसर है वही आपका डेप्थ सेंस भी करता है। और जो है अब आजकल तो छोटे कैमरा निकाल ही दिए हैं 2 मेगापिक्सल वाले के, जिसका कोई काम ही नहीं था। अगर आप 2 मेगापिक्सल के कैमरे से अगर आप मैक्रो लेते हैं तो उससे बढ़िया होता कि आप मेन कैमरा से 2x करके ले ले, उससे बेटर आता है। तो इस जगह पे ये फालतू 2 मेगापिक्सल का कैमरा को हटा ही दिया गया, तो ये काम जो है काफी अच्छा किया है। वहीं आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है, जिसका भी फोटो भी आप देखेंगे तो काफी बेहतर जो है फोटो का आउटपुट देता है। तो ये कैमरा भी जो है 32 मेगापिक्सल का सेल्फी के लिए काफी अच्छा, जिसमें पंच होल आपको सीधे डायरेक्ट अपने स्क्रीन के बीचों बीच मिलेगा। तो दोस्तों इस तरह का ये मोबाइल है, और हम मानते हैं कि इस प्राइस रेंज में जो है और दूसरा कंपनी इस तरह का स्पेक्स आपको नहीं दे पाएगा, और हो सकता है कि आगे इससे अच्छा लॉन्च करे। बट अभी के समय में अगर आप किसी कोई भी फोन लेना चाह रहे हैं तो मेरे ख्याल से इससे बेटर फोन आपके लिए नहीं हो सकता है। तो दोस्तों इस तरह का वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।